हेलो डियर फ्रेंड्स, इट्स मी विनोद। वेलकम इन एसवी ट्यूशन, द चैनल विच एक्सप्लेन ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन। टुडे वी विल डिस्कस द एजुकेशन ऑफ गोल्डस्मिथ। माय ब्रदर इज द एक्सपर्ट इन गोल्डस्मिथिंग। ही हैज मोर देन 9 years एक्सपीरियंस इन this field for making different jewelry products. So today we are starting to discuss with my brother. Namaste bhai sahab ji. Namaste ji. Bhai sahab ji, sabse pehle ye bataiye ke sunar kaun hota hai tatha uska kya kaam hai. Sunar us vyakti ko kahenge jo sone ka kaam karta hai, बल्कि सोने के साथ साथ चांदी का भी काम करता है, तांबे का भी काम करता है, साथ में अन्य मोतियों का भी काम करता है, नगों का भी काम करता है। तो हम लोहार को, कोई भी लोहे का काम करेगा तो उसे लोहार कहेंगे, जो सोने का काम करता है उसे सुनार कहेंगे। इस काम में हमें क्या क्या सीखना पड़ता है? इस काम में हर तरह के अंगूठी, जैसे शरीर में पहने जाने वाले गहने, लेडीज गहने, जेंट्स अंगूठी, और लॉकेट हो गया, ब्रासलेट हो गया, ऐसे लेडीज और जेंट्स मतलब के जो भी जो गहने पहने जाते हैं, जो वो उसे सुनार बनाता है। अच्छा, ये हमारे जो यूजर्स हैं उनको ये बताइए कि हम सुनार का काम किससे सीख सकते हैं, तथा इसमें जो कैरियर बनाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, सबको ये मालूम होना चाहिए कि सोना जो है बहुत ही कीमती वस्तु है। हर कोई ये काम नहीं सीख सकता, क्योंकि इसके लिए विश्वास बहुत जरूरी है। क्योंकि खास जिसका कोई रिश्तेदार काम कर रहा है तो वो अपने रिश्तेदार के पास जा सकता है, या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उसके अंदर बहुत ही सुरक्षा कानून है, तो उसमें बहुत नियम, सुरक्षा के जो नियम हैं उसको जो पालन करेगा उसको रखा जाता है। तो ये काम बहुत ही मेहनत का और लगन का, साथ ही विश्वास का तथा ईमानदारी का भी है। इसके कोई स्कूल भी खुले हैं ये शिक्षा देने के लिए? तो स्कूल का तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि मैं बता सकूं कि स्कूल कहाँ कहाँ खुले हुए हैं, लेकिन यह है कि कई जगह ये कारखाने के रूप में खुले हुए हैं, जहाँ से शिक्षा भी दी जाती है, साथ में उन लोगों को कुछ रोजगार के लिए पैसा भी दिया जाता है। भाई साहब जी, ये बताइए इसमें कौन कौन से औजार आप इस्तेमाल करते हो, उसे इसके बारे में, जैसे ये क्या चीज है, इसका क्या इस्तेमाल है? देखिए, ये छोटी सी ये आरी है। हाँ जी। और इस आरी से हम अलग अलग तरह के नाम वगैरह सोने को ढाल करके, मतलब सोने की पत्ती बना करके, उसमें से हम इसको, जैसे ए लिखना हो अंगूठी के ऊपर ए लिखना हो, तो थोड़ा सा उसमें से सुराख करके पत्ती जो जब ढाल दी जाती है, प्लेन कर दी जाती है मशीन में, तो उसमें से उसे बीच में से सुराख निकाल के ऐसे उसको आरी फंसा करके बीच में, तो उसको ऐसे काटा जाता है। अच्छा, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले ये जो है, ये जितने भी आप सुराख देख रहे हैं तो ये तारों के लिए बने हुए हैं। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की, छोटा से लेकर के बारीक से लेकर के बड़ी सुराख है, तो इसमें से जो जब मशीन में से तार निकाली जाती है मोटी, तो धीरे धीरे उसमें इन सुराखों में से खींची जाती है, तो जितनी जितनी पतली चाहिए जिस जिस मकसद के लिए, जो जो सामान बनाना हो वो इस जितनी भी पतली तार करनी हो इसमें से निकाली जाती है। और ये किस मकसद के लिए है? इसे मकाल कहते हैं। मकाल? हाँ जी, हाँ जी, मकाल कहते हैं। इसे कोई भी पत्ती को गोलाई के आकार का दे करके, पान का आकार का दे करके, चौरस करके उसको इसके अंदर रखा जाता है, और उसके ऊपर ये टोना चलाया जाता है। अच्छा। ऐसे करके उसको, ऐसे करके उसको दबा दिया जाता है, और उसी वह किसी आकार का गोलाई में है, थोड़ा सा उभरा हुआ निकल के बाहर आ जाता है। ये टोने बहुत तरह के हैं, ये कोई छोटा है, ये बहुत सारे तरह के टोने हैं, और तो ये इसका क्या मकसद है?
इसका मकसद ये है कि भिन्न भिन्न प्रकार के गोलाई में, जैसे बड़ी गोलाई करनी हो, छोटी गोलाई करनी हो, और इससे छोटी करनी हो, फिर और भी छोटी करनी हो, भिन्न भिन्न अलग ये उसी हिसाब से इसके अंदर से डाला जाता है। अब जैसे ये छोटा है तो छोटा इसके अंदर डाला जाएगा, थोड़ा सा बड़ा है तो ये इसके अंदर डाला जाएगा, और इसके अंदर पत्ती डाल करके ऊपर से इसे ऐसे जोर लगाया जाता है, ऐसे जोर लगाया जाता है ताकि वो वैसा आकार लेकर के ऊपर आ सके। मीन्स डाई बन जाती है, एक तरह से डाई समझ लीजिए इसे। अच्छा, तो इसके अलावा कुछ और भी औजार है, जैसे ये है तो ये औजार नहीं है, इसे माप कहते हैं। ये अंगूठियों के माप लिए जाते हैं, सबसे प्रथम भी हर किसी की भिन्न भिन्न प्रकार की उंगलियां हैं, मोटाई का आकार लिया जाता है, इसके ऊपर नंबर लिखा रहता है, और 8 नंबर है, 6 नंबर है, 1 से लेकर के 20 नंबर तक इसमें लिखे रहते हैं, और जिसका भी जो माप हो उसी हिसाब से वो सामान बनाया जाता है। कुछ काटने के लिए भी औजार है आपके पास, ये भी काटने के लिए है। ये है, ये कतिया कहते हैं इसे। अच्छा, ये भी अलग अलग इससे पत्ती काटी जाती है, और इसमें से तार के रबे बनाए जाते हैं, जो जो गोल उसमें फूकनी से उसे गोल किया जाता है। तो ये क्या है? ये छोटा प्लास है, इसे कोई भी तार पकड़ करके आगे आगे की ओर ले जाई जाती है। तो ये क्या चीज है? ये कुछ सामान है, ये सामान बनने के बाद ये चपटी रहती है, ये तिकोनी रहती है, ये भी तिकोनी रहती है, ये गोल रहती है, और सामान बनने के बाद ये उस सफाई के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी चीज़ को रगड़ना हो और वो सफाई करनी हो, उसे प्लेन करना हो, तो उसे ऊपर रगड़ाई की जाती है। इसके अलावा जो ये औजार, इसके अलावा भी सुनार के काम में कुछ औजार इस्तेमाल किए जाते हैं? बहुत ही प्रकार के औजार हैं जो भिन्न भिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए प्रयोग में आते हैं, लेकिन इस समय वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो औजार बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि बिना औजार के कोई भी काम करना मुश्किल है। भाई साहब जी, अब ये बताइए कि जो हमारे युवा है वो इसमें अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं? क्या इसमें संभावनाएं हैं फ्यूचर बनाने की इस काम में? संभावनाएं तो बहुत ही हैं, लेकिन लगन की बहुत ही जरूरत है। मीन्स लगन होनी चाहिए इसमें, काम करने की बहुत लगन होनी चाहिए, साथ में ईमानदारी भी बहुत जरूरी है। हम किसी का भी कोई काम कर रहे हैं, जो हमें वो काम दे रहा है, उस काम को हम लगन से करेंगे तो धीरे धीरे इसकी तनख्वाह भी बहुत बढ़ जाती है। मतलब कि 5,000 से शुरू होकर के ये तनख्वाह 20,000 तक भी पहुंच जाती है। क्या इसमें हम अपना बिजनेस भी कर सकते हैं? अगर सीख लिया तो बिल्कुल कर सकते हैं अपना बिजनेस। हम ये है कि हम चांदी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि चांदी बहुत ही सस्ती है, और उसको हम भिन्न भिन्न आकार दे करके उस पर गोल्ड का पानी डाल करके उसे बनाया जा सकता है, और उसे बेचा भी जा सकता है, साथ में उसी प्रकार के सोने के भी तैयार किए जा सकते हैं। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट है, क्या इसका हमारे देश का जो इंटरनेशनल मार्केट भी है सुनार के काम का? ये काम ही इंटरनेशनल मार्केट से शुरू होता है। ये सोना वैसे तो ये भारत में के अंदर भी बहुत सारी खाने हैं, लेकिन ज़्यादातर ये बाहर से, अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, अफ्रीका से, और भी कई अन्य देश हैं, जैसे मॉरिशस हो गया, और कुछ ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ से सोना यहाँ लाया जाता है, और यहाँ से बनाकर, और वो सोना 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है, लेकिन मेन है कि उसकी अब एक्साइज ड्यूटी हटा ली गई है, इस वजह से कुछ अब सुनारों को कुछ प्रसन्नता है। तो इसको बना के फिर एक्सपोर्ट होता है इसका? इसको बना करके एक्सपोर्ट भी किया जाता है। जो छोटे दुकानदार हैं जो एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, वो अपने ही शहर के अंदर अपना इस्तेमाल करते हैं, अपने शहर के अंदर ही बेचते हैं, अपने शहर के अंदर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। प्यारे दोस्तों, आने वाले समय में हम इसके और डीप में सीखेंगे कैसे अंगूठी बनाई जाती है, कैसे कंगन बनाया जाता है, तो हमारे भाई साहब जी आपको पूरी डिटेल में इसकी जानकारी देंगे, तथा आप इसी एजुकेशन के माध्यम से ही हर एक काम जो सुनार में होता है उसको सीख सकोगे। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे आए।